बिहार में सरकारें नेता के द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन कोर्ट भी समय समय पर सरकार को दिशा निर्देश देता है। एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पटना हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लग चुका है बिहार सरकार को, बिहार सरकार के उन अफसरों को और बिहार में काम कर रहे उन ब्यूरोक्रेट्स को जो लगातार सरकार के कामकाज को लेकर और खास तौर पे जो जमीनी हकीकत है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको लेकर वो लेट लतीफा कर रहे हैं। दरअसल खबर निकलकर सामने आ रही है पटना हाई कोर्ट से। पटना हाई कोर्ट में गुरुवार को बिहार के मुख्य सचिव डीजीपी सहित सभी विभाग के प्रमुख उपस्थित हुए। मुख्य सचिव ने सूचीबद्ध अवमानना मामले में सरकार का पक्ष रखा। इसके बाद कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को भी सभी मामलों के आदेश का अनुपालन कर 4 हफ्ता के अंदर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, जिस पर विभाग कोई भी आपत्ति नहीं है और ना ही हाई कोर्ट के आदेश को किसी कोर्ट में चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के द्वारा न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने करीब 156 अवमानना मामले में एक साथ सुनवाई की। अदालती आदेश के बाद गुरुवार को मुख्य सचिव डीजी वित्त पथ निर्माण राजस्व एवं भूमि सुधार गृह नगर विकास आवास शिक्षा पशुपालन मत्स्य पालन स्वास्थ्य कृषि ग्रामीण विकास और वन्य पर्यावरण सामान्य प्रशासन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिकी एवं भवन निर्माण विभागों के अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित हुए। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हाई कोर्ट के जिस आदेश पर विभाग में कोई त्रुटि या कमियां नहीं दिखी उन सभी आदेशों का अनुपालन 4 हफ्तों के भीतर कर लिया जाएगा। कोर्ट ने उपस्थित आला अधिकारियों से कहा कि जिन मामलों में अपील दायर की गई, अपील दायर करने की प्रक्रिया चल रही है, उनकी सूची 1 सप्ताह के भीतर महाधिवक्ता को दे दे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो मामले राज्य के नीति के विरुद्ध हैं या उनके राज्य की अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ रहे हैं, वैसे मामलों में कोर्ट को अवगत कराया जाए। कोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं किए जाने पर गंभीर मामला बताते हुए कहा है कि विभाग के आला अधिकारी अपने अधीनस्थ ऑफिसरों को अदालती आदेश का पालन करने की जिम्मेदारी दे। कोर्ट ने कहा है कि अधीनस्थ अधिकारी सख्ती से अदालत के आदेश का पालन करे और साथ ही पालन करके 21 जो दिसंबर है उस तारीख तक सभी तरह की जो सरकार के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं उस पर रिपोर्ट पेश करे। ये आखिरी तारीख होगी 31 दिसंबर, और उसके बाद पटना हाई कोर्ट इसमें किसी प्रकार का कोई बयान नहीं सुनने जा रही है। पटना हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के जो सामान्य प्रशासन विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, गृह विभाग हो, बिहार के जितने भी मंत्रालय हैं सभी के मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव को सख्त निर्देश दिया है और 21 तारीख तक का आखिरी अल्टीमेटम दिया है, उस दिन तक सभी फैसले लिए जाने हैं और सरकार जो काम करेगी उसका रिपोर्ट भी कोर्ट में जमा करना होगा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386